मीटिंग के बारे में ही बताना चाह रही हूँ। जैसा कि हम लोग बहुत समय से सामाजिक रूप से कार्य कर रहे हैं और आगे हम ये चाहते हैं कि हमारी जो अति पिछड़ी महिलाएं हैं या जो महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाई हैं या जिनको शिक्षित नहीं किया गया है या उनको जिनको जागरूक नहीं है या हमारे बाबा साहब के बारे में या डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में नहीं जानती, जो अपने हक हकूक के बारे में नहीं जानती, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानती या जो आगे उनको होना चाहिए था वो सब नहीं उनके साथ हुआ है, तो हम ये चाहते हैं ऐसी मीटिंग करके और डोर टू डोर जाकर और मोहल्ले टू मोहल्ले जाकर हम उन महिलाओं को उनसे मिलें, उनको बताएं इस बारे में और उनको जागरूक करें और कोशिश करें कि उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएं, उनके आगे उनका जीवन कैसे सुंदर और सुखीपूर्ण बीत सकता है वो सब उनको हम उनको इसके बारे में बताएं। यही हमारा जागरूक करने का मिशन है, उद्देश्य है। बेसिकली हम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सिपाही हैं और उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं। संविधान हमारा एक मोटिव है जिसको हम लेके चलते हैं और इसी के रास्ते पे आगे चल के हम महिलाओं को वो अधिकार सारे जो संविधान में हमें दिए हैं बाबा साहब ने वो सब हम तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि उद्देश्य जब एक सामने आ जाता है तो उद्देश्य के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, इसकी एक भूमिका बनानी पड़ती है जो शायद भूमिका बन चुकी है लेकिन अब इसको आगे कैसे बढ़ाना है वो भी एक सवाल है। तो उसके लिए तो जब तक जो हमारी फाइनेंसिंग जो एक रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी फाइनेंस एक वो ज़रूरत होती है, तो उसको हम कैसे करें और संगठन इसको एक जो नारी संघ बनाया है उसको हम कैसे आगे ले जाएं और किस तरह से हम अवेयरनेस लोगों में डालें, उनको कैसे जोड़ें, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। मैम अगर आपका क्या कहना है कि अगर महिलाएं सशक्त होती तो शायद बिहार वाला कांड नहीं हो पाता, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो देवदासी बनकर किसी पाखंड में नहीं रहती और ना ही उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचती, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये बिल्कुल सही आपने कहा है, ये मैं आंध्र प्रदेश भी गई हूँ, वहाँ मैं गई थी और ये बहुत सारे वहाँ पर ये हमारी ये जो एक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी कर्नल क्या कहते हैं लक्ष्मी सहगल वो भी गई थी, तो वहाँ भी हमने बहुत बड़ा यही बात कही थी कि आंध्र प्रदेश में ये चीज़ आज भी हो रही है, ये अपने यूपी में भी हो रही है और इसमें कर्नाटका में भी हो रही है, आज भी देवदासी प्रथा है और उसका हमने वहाँ बहुत जमकर के विरोध किया था। वहाँ पर जाके आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा मतलब सम्मेलन हुआ था वहाँ पर और उसमें मुझे इनवाइट किया गया था, एक मुझे वो बोलने वो भी मिला था कि इस पर आपका बोलना है तो उस पर भी मैंने अपना दिया था। लेकिन जो आज ये मतलब इतने दिन हो गए हैं लेकिन हम जागरूक तो हो गए हैं लेकिन हम कदम भी नहीं उठाना चाहते हो इस बात के लिए कि जो ये जिस तरह की ये देवदासी प्रथा है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो आदर्श लोग हैं जो चाहते हैं कि ये देवदासी प्रथा रहे वो तो रहते हैं लेकिन वो यही चाहते हैं लेकिन हम लोग इसको कैसे ख़त्म करें, तो इसके लिए हमारी नेक्स्ट ये जो हम जो मीटिंग करेंगे उसमें इस चीज़ को हम डिस्कस करके और इसके सलूशन को ढूंढेंगे।